जानी के मुद्दे पर आज संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विरोध का असर ही था कि आज भी अडानी की कंपनियों के शेयर गिरे। एलआईसी को लूटना बंद करो, अरे देश को बेचना बंद करो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। सियासत में अगर किसी मुद्दे को उठाने से राजनीतिक फायदा मिलता है तो राजनीतिक दल उसे लंबे वक्त से भुनाने की कोशिश में रहते हैं, भले ही उससे किसी का नुकसान क्यों ना हो जाए। अडानी को लेकर कांग्रेस ने आज संसद के अंदर, संसद के बाहर और यहां तक कि सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ी। अलग अलग शहरों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर LIC और SBI के दफ्तरों पर इकट्ठा हुए। विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ये कहकर घेरने की कोशिश की कि मोदी सरकार संसद में अडानी पर चर्चा कराने से बच रही है। अब देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में 25 जनवरी से जो गिरावट हो रही है वो सोमवार को भी नहीं थमी। इन सबके बीच अपनी कंपनी के निवेशकों का भरोसा लौटाने के लिए अडानी ग्रुप एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अडानी ग्रुप अपने कर्जदाताओं के गिरवी रखे शेयरों को वापस छुड़ाने के लिए $111 करोड़ का प्रीपेमेंट करेगी, जबकि इन गिरवी शेयर्स को छुड़ाने की डेडलाइन सितंबर 2024 तक है। ऐसा करके अडानी ग्रुप निवेशकों को यह बताना चाहता है कि उसके पास किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं है। अडानी ग्रुप की इन कोशिशों का असर वाकई उनके शेयरों में गिरावट को रोक पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक हालात अभी भी अडानी के अनुकूल तो नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।